फैटी एसिड सिंथेसिस के ऊपर बात करते हैं इसको हम बोलते हैं लीपोजेनेसिस इट इज नॉट रिवर्सिबल नॉट रिवर्सल ऑफ डिग्रेडेशन थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में फैटी एसिड सिंथेसिस जो होते हैं दिस इज रिपीटेड साइकिल्स एंड ईच साइकिल एक्सटेंडेड बाय द टू कार्बन हर साइकिल से दो कार्बन का एक्सटेंशन होता है एंड फोर स्टेप्स इन ईच साइकिल हर एक साइकिल में चार स्टेप्स होते हैं कौन कौन से बात करेंगे द मेजर एंजाइम विच इज हियर दैट इज अ फैटी एसिड सिंथेस फैटी एसिड सिंथेस जो होता है यहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है फैटी एसिड सिंथेस जो होता है मेजर यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर सिंथेसिस एन ब्रेक डाउन लेट सी द साइट एंड

सिंथेसिस में ए का का यूज यूज होता होता है जब होता है जबकि ब्रेकडाउन में में एसिटाइल एंड सिंथेसिस जनरली जो होते हैं डेरिवेटिव डी एना होते हैं जबकि इस पर्टिकुलर माइक्रो आपके ब्रेकडाउन में एल एनासियोमर होते हैं ठीक है तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो मेजर आपके ब्रेकडाउन और सिंथेसिस में पाए जाते हैं धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर में चलिए पहले बात करेंगे हम There seven जो होते अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिव साइड का कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं नाउ कमिटेड स्टेप्स इन सिंथेसिस सबसे पहला जो होता है वो होता है मेलोनिल को बनना यूनिट ठीक है सो so, देखिएगा ये है बाइकार्बोनेट एच सीओ थ्री माइनस कैसे बनेगा बाई कार्बोनेट सीओ टू से बनेगा ठीक है एज यू नो दैट अगर पता है तो ठीक है नहीं तो मैं बता देता हूँ सीओ टू से कन्वर्ट होगा एच सी ओ थ्री माइनस दिसन एनजाइम विच इज नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू ये चीज इन्वॉल्व हो जाएगी ये क्या होगा कि बाई कार्बोनेट दिस शुड बी लाइक एसिटाइल को एनजाइम ए स्ट्रक्चर जो बनता है में ये देखिए एसिटाइल ए का ये है आपका पहला कार्बन ये नॉर्मली दूसरा कार्बन है इस तरीके से चीजें लिंक थी और बाइकार्बोनेट ये एक एंजाइम प्रोटीन होता सी सी एसाइल आइल प्रोटीन जो होता है ए सी सी एसाइल सी ओ ए कार्बोक्सिले सी एसाइल सी ओ ए कार्बोक्सिले एसिटाइल सी ओ ए कार्बोक्सिलेज मतलब एसिटाइल ग्रुप को सी ओ एस ए कार्बोक्सिलेज मतलब उसका कार्बोक्सिलेशन करेगा ए टीपी का यूज करेगा और जोड़ देगा यहाँ पे सी ओ जोड़ दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तीन कार्बन एसिटाइल को ए जो कि दो कार्बन का कंपाउंड था ये हो जाएगा थ्री कार्बन कंपाउंड ठीक है मेलोन को स्टार्टर ऑफ फैटी यही है देखिए ये है, कार्बोक्सी बायोटीन इस पर्टिकुलर एंजाइम के पास इसके पास एक स्पेसिफिक लाइसिन जो कि ये काम करने में हेल्प करते हैं सब चीजों को सो so, बायोटीन प्रोस्थेटिन ग्रुप जो होता है एसिस का क्या होता है बायोटीन है भाई विटामिन एच बी सेवन ठीक है विटामिन बी सेवन है एच इसको विटामिन एच भी बोला जाता है नौ फैटी सिंथेसिस जब हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा एसिटाइल को ए टू कार्बन का जो था एंड ये बाई कार्बोनेट को यूज किया जहां पे एसाइल को कार्बोक्सिलेज इसको कन्वर्ट किया कोए को ए में, थ्री कार्बन में जुड़ेगा और मेलोनियल को ए दोनों जुड़ेंगे अब इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कन्वर्जन था ये एक्चुअली कहाँ पे हो रहा था एसाइल करियर प्रोटीन पे दैट इज अ पार्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथे ठीक है यहाँ पे ये चीज हो गई थी नाउ अब ये होने के बाद ये जो एसिटाइल को ए कार्बन है ये जुड़ेगा इस मेलोनिल पे लेकिन जुड़ने के साथ साथ ही यहां पे दो प्रोसेस होंगे पहला तो कंडेंसेशन होगा और दूसरा डी होगा मतलब सी का रिमूवल और ए दो कार्बन का एड होना मतलब कि ये जो है मेलोनियल अब दो कार्बन का रह जाएगा क्योंकि ये एक कार्बन रिमूव हो गया और फिर एसिटाइल दो कार्बन तो टोटल फोर कार्बन का ये हो गया ये है एसाइल कैरियर प्रोटीन पे जो कि फैटी एसिड से जुड़ा हुआ हिस्सा ठीक है दिस इज द फर्स्ट स्टेप पहले तो आपने एसिटाइल को एक को मैलोनिल को बनाया उसके बाद ये चार्ज हुआ एसीपी पे कंडेंसेशन एंड क्रिकार्बोक्सलेशन किया आपने ठीक है स नाउ आफ्टर दैट चार कॉमन स्टेप अब इसके बाद सारा काम आसान है बस यही तक दो कार्बन तीन कार्बन जोड़ा दो चार छह एसे को बाइ कार्बोनेट से जोड़ के मेलेनियल कोए किया इसके बाद ये एसेटाइल फिर दो दो बढ़ता चला जा रहा था कैसे हम बात करेंगे एक साइकिल के बाद ये जो एक नॉर्मली साइकिल के बाद चार कार्बन हो जा रहे थे ठीक है दो कार्बन क्योंकि एक्स्ट्रा एसिटाइल कोए का था ही था तो देखिए सबसे पहला स्टेप है कंडेंसेशन वेयर एसिटाइल कोए कोए एसीपी के साथ जुड़ते हैं और सीओ टू का रिमूवल होता है डी कार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे बीटो लाइक बीटा कीटो कीटोब्यूटरिल एसीपी बनता है चार कार्बन का दिस इज अ फोर कार्बन ये टू कार्बन ये थ्री कार्बन एक कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन के तौर पर निकला तो चार कार्बन का बीटा कीटो कीटोब्यूटारिल बना

ये बीटा हाइड्रोक्सी एसीपी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांस इनोइल एसीपी ट्रांस इनोइल एसीपी में यूज हो जाएगा ये बी पहले क्या था एसिटाइल को यह बीटा कीटोब्यूटारिल एसीपी में जुड़ेगा फोर कार्बन फिर ये बीटा कीटोब्यूटारे जो है बीटा हाइड्रोक्सी एसीपी ये फिर बीटा हाइड्रोक्सी से बीटा इनोल इनोइल में चला जाएगा और ट्रांस इनोइल जो है फिर से डिडक्शन करेगा और ब्यूटारिल एसीपी में कन्वर्ट हो गया तो अल्टीमेटली ये जो है चार कार्बन अभी भी है कुछ हुआ नहीं है लेकिन कई सारे मॉडिफिकेशन किए इन्होंने क्या किया कि उसको कन्वर्ट किया जो कीटो ब्यूटारिल था उसको एसीपी में कन्वर्ट कर दिया प्रोसेस जो है एक पूरे साइकिल में चार कार्बन बना अब इसके बाद हर साइकिल में दो कार्बन का ऐड होगा एक साइकिल में चार बना और हर में दो होगा इसी वजह से एक साइकिल और कम हो जाती है यानी कि ध्यान देने की कोशिश करिएगा यह है पूरे की पूरी एक सिंथेसिस की साइकिल <coughs> ये क्या है पूरी की पूरी फैटी एसिड की सिंथेसिस की साइकिल पहले स्टेप पे यानी पहले साइकिल में द फर्स्ट साइकिल ठीक है फर्स्ट साइकिल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट साइकिल में यू विल गेट यू विल गेट कार्बन फ्रॉम एसीटाइल कोए एंड मैलोनिल कोए ठीक है ये चीज मिलने वाली है दिज अ केस पहला केस था कंडेंसेशन फिर रिडक्शन कंडेंसेशन फिर डिहाइड्रेशन एंड देन फिर रिडक्शन सीआरडीआर ठीक है, फोर कार्बन नाउ हर अब साइकिल पे दो कार्बन का एड होगा फॉर द न्यू कार्बन। क्यों <coughs> यहां पे दो कार्बन यहां से आया दो कार्बन यहां से आया नाउ अगर नेक्स्ट साइकिल द सेकेंड साइकिल जब यूज करोगे इससे तो मेलोनिल को यूज करोगे अगेन यू नीड द मेलोनिल आप सिर्फ मेलोनिल को यूज करोगे तो मेलोनियल का दो कार्बन आएगा अगेन ये चीज यूज होगी मैलोन फिर दो कार्बन फिर की सारी, सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी तो चार से छे, फिर छह से आठ आठ से दस दस से बारह बारह से चौदह और चौदह से सोलह अगर इसमें देखोगे तो यह पहला साइकिल मतलब फर्स्ट साइकिल दिस इज सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ कितनी साइकिल की जरूरत पड़ी सेवन साइकिल की सिक्सटीन हमेशा ध्यान रखना साइकिल जो होगा माइनस टू पे चलेगा जितना कार्बन होगा दैट इज डिवाइडेड बाई टू माइनस वन मतलब अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ साइकिल कितनी जरूरत है हमेशा एक उससे कम होगा ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना सोलह के लिए ये हो जाएगा सात साइकिल बीस के लिए अगर हम बात करते हैं जैसे पामिटिक एसिड के लिए पामिटिक एसिड के लिए जो है वो हो जाएगा सेवन अगर एरेक्डिनोइ के रूप में बात करें तो एरेक्डिनोक एरेक्डोनोई के लिए हो जाता है ये ट्वेंटी अपॉन टू माइनस वन दैट इज अ अस साइकिल ठीक है इस तरीके Now, अगर इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है कि NADH दो जगह पे यूज हो, तो हो रहा था तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा रिएक्शन बनेगा ठीक है सेवन सीओ टू फोर्टीन एनएडी और ये चलेगा अल्टीमेटली अगर इसको देखा जाए तो ये बना कैंसिल आउट नॉर्मली अगर हम इस तरीके से देखें तो सेवन एसिटाइल को ए सेवन सी ओ टू प्लस सेवन एटीपी इसमें जो है कुछ ए की जरूरत हो रही है जब ये मेलोनिन कोए में बन रहा है तो ए टीपी की जरूरत पड़ रही थी मेलोनिन में तो ये अल्टीमेटली जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में आठ एसिटाइल को अगर आप इस पूरे केस को देखोगे तो अल्टीमेटली क्या है आपको आठ एसिटाइल को ए मिलेगा सेवन एटीपी और फोर्टीन एन मतलब कि एक पारेटिक एसिड बनाने के लिए आपको कितना सेवन लगभग लगभग जितना साइकिल चल रहा है उसका डबल एन और उसका एक ए की जरूरत हो रही है मतलब अगर हम ए की रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल जो होगा ए टी पी ए इज इक्वल टू एन एंड एन जो होगा ठीक है नाउ ध्यान रखना इस चीज के लिए बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने करवा के दे दिया है कभी भी किसी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है अगर एटीपी की बात करें तो दिस बी एंड की बात करें तो ये हो जाएगा टू इंटू एन नंबर ऑफ साइकिल इज द नंबर ऑफ साइकिल ठीक है ये चीज चलेगी नाउ बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड के ऊपर बात करते हैं ध्यान देने की कोशिश करिए कि बीटा ऑक्सीडेशन है बायोसिंथेसिस अकर्स इन माइटोकोडिया माइटोकोंडिया में ये साइटोप्लाज्म में बहुत सीधी सी बात है इस तरीके की चीजें चलती रहती है देखिएगा बायोसिंथेसिस में क्या था 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 कि ये केस यहां से था। फैटी एसीड एसीड से फैटी एसिड एसीपी रहा था, बीटा क्यूटोसाइल फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी फिर इनोइल था फिर उसके बाद फैटी एसाइल एसीपी ये केस इस तरीके से चल रहा था जहाँ पे कि एन जो थे वो बार बार यूज हो रहे थे ठीक है प्रोसेस क्या यूज हो रहा था सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस जो यूज हो रहा था कंडेंसेशन फिर रिडक्शन फिर डिहाइड्रेशन और फिर रिडक्शन सी आर डी आर इसके साथ जब हम बीटा ऑक्सीडेशन बात करेंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ये इसी का उल्टा चलेगा यानी जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीडेशन जहां पे डिहाइड्रेशन हो रहा होगा वहां पे हाइड्रेशन और जहां पे रिडक्शन हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन और जहां पे कंडेंसेशन हो रहा है वहां पे लेसिस मतलब कंडेंसेशन का मतलब जुड़ना यहाँ पे लेसिस हो रही है वेरी सिंपल तो यहां पे देखिए कि C2 टू डोनर मेलोनल को था एन चीज इलेक्ट्रॉन डोनर और ये यहाँ पे एन ए चल रहा था यहां पे सी ओ एज साइल ग्रुप कैरियर यहां पे फैटी एसाइल को ए जो प्रोडक्ट बन रहा था वो इस तरीके से हुआ और फिर ये टूटेगा एनोइल को में सेम एनोइल कोए फिर हाइड्रोक्सी कोए में टूटेगा फिर बीटो केसाइल कोए में और ये फैटी एसाइल कोए में टूटेगा फर्क बस इतना होता है कि यहाँ पे जो एन ए यूज होता था एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर बट एक्सेप्टर पहले स्टेप पे एफ होता है और दूसरे पे एन प्लस यूज होता है यानी एक जगह पे एन बनता है और एक जगह पे एफ टू बनता है एक साइकिल में एक एफ टू और एक एन बन रहा है और एक एस का यूज हो रहा है इस तरीके से ये चीज चल रही है और ये पूरा का पूरा पक्का निकल रहा है नाउ अगर हम बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा बीटा ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड या को एंजाइम ए क्या करते हैं कि ये कार्निटीन से जुड़ते हैं फैटी एसिड को एंजाइम एक कार्नेटिन से जुड़ेंगे विदाउट कार्टिन ये नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा माइक्रोकोंडिया में फैटी फैटीजाइम कार्डीन से जुड़ा को एंजाइम को अलग किया फैटी एसिड और कार्निटीन फिर वापस अंदर आया और फिर फैटी एसिड कार्टिन जो है को एंजाइम से जुड़ के ये अलग चला जाएगा आपका बीटा ऑक्सीडेशन में और कार्नेटीन फिर से यहाँ पे वापस ट्रैक तो ये कार्निटिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है कार्निटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ठीक है कार्नेटीन नाउ बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप देखिएगा सबसे पहला ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन लिसिस ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि यह है सिक्सटीन फैटी एसिड का पामिटिक एसिड दिस लाइक एफ हियर ऑक्सीडेशन होगा एंजाइम डीहाइड्रोजेनिक टू बनेगा यहां पे ट्रांस इनोइल बना फिर ट्रांस इनोइल से वाटर जुड़ेगा हाइड्रेटेज एंजाइम होगा ये बना इसके बाद एनएडीएच यूज हुआ ये बना और बीटा ए को यूज करते ही एसिटाइल के तो लास्ट में दो एसिटाइल कोए बन जाते हैं जैसे कि हम बात करते हैं जो कि टी साइकिल में यूज हो जाते हैं सो so, अल्टीमेटली इस तरीके का केस बना एक साइकिल में जो क्या हो रहा था एक साइकिल का केस इस तरीके से चीजें चल रही थी तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि यह है पूरा का पूरा वही स्टेप बीटा ऑक्सीडेशन का देखिएगा कि यह फॉमिटल को स्ट्रक्चर के साथ है ठीक है ये अल्फा है

एस टू जोड़ा इस तरीके से बीटा मैं बीटा को लेके चल रहा हूँ देखो ये है आपका इसी बीटा पे सारा रिएक्शन हो रहा है ये है बीटा स्ट्रक्चर देखो ये है बीटा कार्बन अभी फिर से ये हाइड्रॉक्सी वाला कंडीशन बना नाउ इसके बाद फिर ये हाइड्रोक्सी वाले कंडीशन के बाद ये देखो बिहाइड्रॉक्सी फिर एन बना फिर ये जो इस तरीके का केस ये नॉर्मली क्या था ये आपका कार्बोक्सी वाला ये अल्फा है और ये बीटा है ठीक है अब को ऐसे चाप आपने रखा तो देखो बीटा एज इट इज था और इससे ये जुड़ गया और ये निकल गया अल्फा तक ये अल्फा निकल गया और बीटा है तो बीटा से एक्चुअली तोड़ा गया है इसीलिए इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन बीटा कार्बन से तोड़ा गया और किसी भी चेन में सबसे लास्ट वाला जो होता है कभी भी अगर हम अल्फा बीटा है ग्रीक वर्ड में जो होता है वो ओमेगा होता है तो उसको ऑक्सीडेशन करना ओमेगा ऑक्सीडेशन कहलाता है तो अल्टीमेटली ये चीज आपका निकला ये चार, मेरे स्टोवल को ये बना और इसे टाइल को ये बन जाएगा सो दिस इज द केस जो कि बार बार इसी तरीके से रिपीट होकर कई साइकिल में टूटेगा पामिटोइल को ए से फिर ट्रांस इनोइल बना फिर हाइड्रोक्से फिर कीटोइटोइल फिर एसेटाइल को ए और ये चौदह से फिर बारह फिर दस फिर आठ फिर छह फिर चार ऐसे करके मिलता रहेगा और लास्ट स्टेप में आपको दो मिल जाएंगे उसके बाद तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जैसे सात स्टेप में सिंथेसाइज हो रहा था वैसे ही सेवन स्टेप में आपका ऑक्सीडाइज भी होगा सो यानी स्टेप्स के ऊपर जब हम बात करते हैं व्हाट शुड बी द नंबर नंबर ऑफ ऑफ स्टेप स्टेप के ऊपर जब हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन जिसको हमें करना है माइनस वन ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन माइनस वन नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टू नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टू ये रख लेना ठीक है जैसे पामिटिक है सोलह कार्बन का तो उसमें साइकिल कितनी जरूरत पड़ेगी साइकिल की जरूरत पड़ेगी सेवन साइकिल अब एक साइकिल में एक एनएडीएच बनता है ठीक है और एक साइकिल में एक एफ एडीएच टू बनता है तो सेम वही चीज बनेगा

एक ATP, को ए जो कि दो कार्बन का ये साइकिल में जाएगा जाएगा तो दस ATP बनाएगा जहां पे 3 2, 1 और 1 GTP बनता है है ठीक so, ये फिर साइकिल साइकिल के के मतलब total अगर एक ऊपर बात करें एक साइकिल ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन विल गिव यू दिन ठीक है बीटा ऑक्सीडेशन गिव दिन तो नाउ नंबर नंबर ऑफ़ ऑफ़ साइकिल इज़ कार्बन डिवाइडेड होगा प्लस वन के तरीके से हम बात करेंगे FADH2, 7 बना, ये बना और ये चीज ये बना तो एक साइकिल जो है आपको उस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा था कितना अगर हम बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा ठीक है कि ये है वन हंड्रेड लाइक यहाँ पे जो है वन हंड्रेड ए टी पी जो इन्वॉल्व हो रहा था अब इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी यहाँ पे जो है ए टी पी की जरूरत पड़ेगी जब इस पर्टिकुलर जगह पे हम इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे देयर इज चार्जिंग यू ए टी पी एटीपी की जरूरत पड़ेगी तो एक पर्टिकुलर फैटी एसिड को लाने के लिए एक मतलब इस तरीके से दो एटीपी की जरूरत बेसिकली इन्वॉल्व हो जाती है तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इसमें से माइनस टू ए माइनस करोगे तो वो हो जाएगा वन जीरो वन जीरो सिक्स ए जो है वो आपका चलेगा ठीक है तो जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा ठीक है बहुत ही सिंपल सी बात है तो आपको पता है कि नॉर्मली फोर्टीन इन अगर हम बात करें ठीक है ये 14 एक साइकिल में और फोर्टीन टू सेवन सेवन ट्वेंटी बहुत एक मजेदार सा किस्सा बताए बहुत मजेदार सा एंड फॉर्मूला का केस सीधी सी बात है ये इतना एफ ए डी एच एन ए डी एच जो है आप सबको कैलकुलेट करो फिर मल्टीप्लाई करो जरूरी नहीं है ठीक है उसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हो वो अब तरीका क्या है ध्यान कि अगर 7 FAD से ये इतना यूज कर रहा है सात बार चला तो एक सौ आठ ए बना इसका एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो दिस इज द फॉर्मूला ध्यान देखिएगा एटीपी बनाने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टू इंटू ठीक है नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टू इंटू टेन एसिटाइल को एंड नंबर ऑफ कार्बन माइनस डिवाइडेड लाइक ये काम करना था सॉल्व करोगे कार्बन के लिए ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई टू इंटू टेन एटी आ जाएगा इसको करोगे तो यह जाएगा सेवन इंटू फोर दैट इज अ ट्वेंटी एट और इस तरीके से आप पूरा सॉल्व कर सकते हो अठारह कार्बन के लिए अट्ठारह बाई टू और इसको एक मजेदार चीज और बता दे कि एक मजेदार किस्सा और है ध्यान देना ठीक है एटीपी कैलकुलेशन का मोस्ट ईजीएस्ट फॉर्मूला एटीपी कैलकुलेशन का मोस्ट इजिएस्ट फॉर्मूला इन बीटा ऑक्सीडेशन अमेज यू विल बी अमेजड ध्यान देना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इट्स अ वेरी सिंपल एन प्लस टेन सी ए टीपी इन बीटा ऑक्सीडेशन शुड बी एन इन टू फोर्टीन प्लस टेन ये है कौन है योद्धा जो इतना छोटा इसको कर सकता है ठीक है अब ध्यान देने की कोशिश करेगा वेयर एन इज द नंबर ऑफ साइकिल एन इज द नंबर ऑफ साइकिल नंबर ऑफ साइकिल कैन बी कैलकुलेटेड दैट नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टू माइनस वन इन द फैटी एसिड एटीपी सिंथेसिस तरीका आप कर सकते हो अगर जब आपको विदाउट ठीक है विदाउट जो है चार्जिंग की बात की जा रही है इसको आप अगर करो यह फॉर्मूला और रिफाइन होगा क्योंकि टू ए टीपी इज कंज्यूम्ड तो मैं इसको लिखने वाला हूं इस तरीके से टू ए टीपी को माइनस करोगे तो इट शुड बी लाइक ए टीपी शुड बी एन इन टू फोर्टीन माइनस एट प्लस एट नॉट माइनस दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ठीक है खुश हो जाओ बेटा ये फॉर्मूला एकदम रामबाड़ के तरीके से काम करेगा एन प्लस फोर्टीन प्लस एट बहुत रामबाड़ देखो कैसे अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं देखो पॉमेटिक एसिड का फॉर्मूला होता है सिक्सटीन कार्बन पॉमेटिक एसिड में कितने कार्बन है सिक्सटीन है यानी इसका नंबर ऑफ साइकिल कैलकुलेट करो सिक्सटीन बाई टू माइनस वन दैट शुड बी सेवन एन की वैल्यू सेवन आ गई एटीपी कितना बनाओगे एटीपी बना दोगे आप वेरी सिंपल ये करो हंड्रेड सिक्स अगर हम बात करते हैं एरेक्टिक एसिड की दैट इज ट्वेंटी कार्बन एन की वैल्यू एन की वैल्यू ट्वेंटी बाई टू माइनस वन नाइन एटीपी क्या कर लोगे एटीपी कर लोगे नाइन इंटू फोर्टीन प्लस एट सॉल्व कर लो ठीक है ये हो जाएगा एक सौ छब्बीस प्लस आठ एक सौ चौंतीस न गेट इट वेरी इजली इस फॉर्मूले को याद कर लो राम बार तरीके से काम करेगा फैटी का फॉर्मुला विद इन मिनट यू कैन कैलकुलेट दिस वन एक एग्जाम्पल और लेके कैलकुलेट कर लो भाई अगर मैंने कोई एक फैटी एसिड बोला जिसमें की ये बात आ गई आपकी दिस इज अ वेरी सिंपल बाईस अमीनो बाईस कार्बन है बाइस कार्बन है एन की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई टू माइनस वन दैट इज टेन टेन की ए एटीपी हो जाएगा एक सौ चालीस प्लस आठ एक सौ अड़तालीस फटाफट फटाफट वन मिनट आंसर ठीक है यू कैन कैलकुलेट इट वन मिनट एसिड ठीक है सीखा है कहीं सीखा है तो अच्छी बात है नहीं सीखा है तो और भी अच्छी बात है चलो मिलते हैं आपसे ने, ने, नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाबा दे बेस्ट नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी पी हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर एग्जामिनेशन मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ न्यू पैटर्न के लेक्चर वन टू वन डाउट शेयरिंग सेशन पीडीएफ कोर्स और भी बहुत कुछ वेदमी क्यूँकी हर सपना हमारा है अपना इन नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द फ्रॉम प्ले स्टोर यूज करिए कोड विद ट्वेंटी फॉर गेटिंग द ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट विद मी एजुकेट विद मी एजुकेटिंग इंडिया